छठवां बिंदु जो है वह है नौकरशाही का अध्ययन। नौकरशाही अर्थात ब्यूरोक्रेसी, याद रखेंगे उसे ब्यूरोक्रेसी को, जिसमें IAS, IPS, IRS आदि ऐसे जो विभिन्न सेवाएं हैं, लोक सेवाएं, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर, ये जो जितनी भी लोक सेवाएं हैं इसके अंतर्गत जो अधिकारी आते हैं इनका अध्ययन, यह भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है इन परंपरावादी विचारकों के अनुसार। अफसरों की जो कार्यकुशलता है, ये जो लोक सेवकों की कार्यकुशलता, लोक सेवकों का जो कौशल है और इनका जो सामर्थ्य है, इस पर सरकार की सफलता या शासन की सफलता बहुत कुछ निर्भर करती है। आखिर सरकार के संदर्भ में नौकरशाही या हम लोक सेवाएं बोलें और उनका आचरण कैसा रहेगा, कैसा है, किस दिशा में है, ये भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन का हिस्सा है। यानी ये लोग कैसा बर्ताव कर रहे हैं, समाज के प्रति कितने समर्पित हैं, अपने कार्यों के निर्वाहन के प्रति कितने सजग हैं, कितने त्वरित हैं और क्यों हैं, इसका अध्ययन भी इस विषय के अंतर्गत आता है, इसके कार्यक्षेत्र में आता है। ये जो लोक सेवक हैं या नौकरशाह हैं, इनका मंत्रियों से संबंध कैसा है, जनता से इनका संबंध कैसा है, और प्रशासन को अधिकाधिक कुशल, लोकहितकारी और लोकतांत्रिक बनाने में इनका क्या योगदान है, उत्तरदायी बनाने में ये कितने अपनी भूमिका निभाते हैं, यह भी इसका अध्ययन का क्षेत्र है। नौकरशाह जो होते हैं वे कानूनों की बारीकियां जानते हैं, क्योंकि नौकरशाह एक स्थायी, जब वो नौकरी ज्वाइन करते हैं, समझ लीजिए 22, 23, 24 साल की उम्र में रिटायर होते हैं 60 साल की उम्र, इस काल में वे कानून के पारखी हो जाते हैं, पारंगत हो जाते हैं। कानून से रास्ता निकालना, जनता के विकास के लिए योजना बनाने की समझ होना और कौशल होना, ये इनके द्वारा संभव है। उल्टे इनके जो नेता होते हैं, जो राजनीतिक दल से आते हैं और सरकार का हिस्सा बनते हैं, ये लोग तो मात्र 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और उन 5 वर्षों में भी इनके विभाग बदल सकते हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा जानकारी कानूनों की, जनता की अपेक्षाओं की उतनी नहीं रहती जितना कि नौकरशाहों। जनता की अपेक्षाओं की जानकारी होने पर ये राजनीतिक दल या सरकार के लोग नौकरशाही से अपेक्षा करते हैं कि जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करने में वे रास्ता बताएं, अपने कौशल का उपयोग करें, ऐसे कानून बनाएं जो लोक हितकारी हों, जन कल्याणकारी हों, उनके क्षेत्र के विकास में सहयोग दें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नौकरशाही का अध्ययन परंपरावादी विचारकों के अनुसार राजनीति विज्ञान का एक अहम बिंदु है। सातवां जो विषय है जो इनके अनुसार राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में आता है वह है निर्वाचन और मताधिकार संबंधी जानकारियाँ। निर्वाचन कैसे होता है, क्यों होता है, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, निर्वाचन के प्रति सजगता और निर्वाचन के प्रति समर्पण की भावना, मतदान के लिए जनता में जागरूकता, ये सब कैसे किया जाए, इसका भी अध्ययन राजनीति विज्ञान के तहत होता है। साथ ही विभिन्न देशों में मतदान की जो प्रक्रिया है, विभिन्न देशों में निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग है, उसके अपने अपने कारण हैं। इनका अध्ययन करना, तुलनात्मक अध्ययन करना और उसमें से राजनीतिक दलों के द्वारा उसमें से एक बेहतर प्रक्रिया को लागू करना, ये निर्वाचन और मतदान व्यवहार के अध्ययन का क्षेत्र है। इसके साथ ही मतदान और निर्वाचन में जनता के व्यवहार का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
जनता का व्यवहार से अर्थ है कि जनता ने किसी को वोट दिया है तो क्यों दिया, क्यों नहीं दिया, क्या कारण थे, उसके साथ ही किन कारणों ने जनता के मतदान को प्रभावित किया आदि आदि, ये सब जो बिंदु हैं वे इस विषय के तहत हैं। जनमत बनाने का कार्य भी इसी के तहत आता है और विभिन्न देशों के अध्ययन के, चुनावी प्रक्रिया के अध्ययन का अध्ययन करना और उसके निष्कर्ष निकालना, यह भी राजनीति विज्ञान का ही एक पहलू है। आठवां बिंदु जो परंपरावादी विचारकों के अनुसार राजनीति विज्ञान का पहलू है, वह है विभिन्न देशों की शासन प्रणालियों का अध्ययन। विभिन्न देशों की शासन प्रणालियों, हर देश की अपनी अपनी प्रणाली है, किसी देश ने कौन सी प्रणाली अपनाई है और क्यों अपनाई है, उसके पीछे उसका ऐतिहासिक कारण तो रहता ही है, साथ ही कुछ अन्य कारण भी रहते हैं। तो इन प्रणाली और ये प्रणालियों की, हर प्रणाली की अपनी अपनी खासियत है, विशेषताएं हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं। इन विभिन्न प्रणालियों का अध्ययन करना, तुलनात्मक अध्ययन करना, यह भी इस विषय क्षेत्र के दायरे में आता है परंपरावादी विचारकों के अनुसार। आखिर जो राजनीतिक प्रणालियां बहुत सी हैं, उदाहरण के लिए तानाशाही एक, लोकतांत्रिक दूसरा, संसदीय प्रणाली तीसरा, राष्ट्रपति प्रणाली चौथा, एक कॉलेजियम जैसी प्रणाली पांचवा, और स्विट्जरलैंड में जैसी प्रणाली है आदि आदि, चीन में कम्युनिस्ट एक दलीय प्रणाली है, बहुदलीय प्रणाली, एक दलीय प्रणाली आदि आदि। तो इस प्रकार इन प्रणालियों का अध्ययन करना और उनमें से तुलनात्मक अध्ययन करके उसको पता लगाना कि आखिर ये किस प्रकार वहाँ की जनता के विकास को प्रभावित कर रहा है और इनकी क्या सफलताएं हैं, क्या विफलताएं हैं। इन सफलता विफलताओं का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रणालियों के अध्ययन का ही परिणाम है। जैसे भारत के यदि उदाहरण ले तो ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये ईवीएम भारत में गत 20 वर्षों में, 25 वर्षों में आया। उसके पहले हमारे यहाँ जो बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होता था, उसकी भारी दिक्कतें थीं। हम उनकी दिक्कतों पर ना जाकर के हम ये जानें कि जो ईवीएम जो हमने शुरू किया, वह कहाँ से आया, क्यों आया, लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। तो ये जो इसका अध्ययन है, यह वहाँ की एक तरीके से हम कह सकते हैं शासन प्रणालियों के अध्ययन के तहत आता है। नौवां बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय विधि का अध्ययन। पिछली शताब्दियों में, बीते हुए शताब्दियों में, राज्यों की अनुमति और सहयोग से कानूनों की एक व्यवस्था कायम की गई, जिसके आधार पर राज्यों के आपसी संबंधों का नियमन होता था और संचालन होता था। इसी व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय विधि कहते हैं। विधि यानी कानून। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून ये जो बने, ये पिछली शताब्दियों में विभिन्न राज्यों के बीच में जो सहयोग हुए, जो अनुमति हुई, जो आपसी संबंधों में कुछ नियम पालन बने, कुछ संचालन के नियम बने, उनको लेकर बने, ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय विधि। इस विधि के विकास में राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 1917-18 के बाद हुई थी, लीग ऑफ नेशंस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और ऐसे ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में बहुत योगदान दिया है। जो अंतर्राष्ट्रीय नियम, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नियमावली, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन आदि में इस सब, इस उसकी जो व्यवस्था है, इसमें ये दो संस्थाओं का बहुत अहम रोल रहा है,
बहुत अहम भूमिका रही है और इसी विधि के कारण राज्यों के परस्पर वादों का निपटारा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बना जो द हेग में स्थित है, HAGUE द हेग वहां स्थित है और इस विधि के आधार पर स्थापित यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बहुत सक्षम और सुचारू रूप से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने में भरसक प्रयास कर रहा है। इसने विश्व शांति के लिए इससे बहुत मदद मिली है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय विधि का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आता है। दसवीं बात, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन विधि संचालन आदि समझना तो ठीक है, लेकिन संबंध कैसे हैं, खट्टे मधुर कड़वे मीठे क्यों कब और कैसे होते हैं, और खासकर तब जब विश्व एक ग्लोबल विलेज बन के रह गया है, बहुत संचार माध्यम और विज्ञान ने जो दूरियां कम कर दी हैं, उसके कारण जो इतनी घनिष्ठता इतनी निकटता आ गई है, तो इसमें यह तय है कि आदमी अब स्वावलंबी वाली बात नहीं करेगा। राज्य जो हैं वे अब स्वावलंबी रहने की बात अब कम करते हैं, क्योंकि अब उनको यदि किसी चीज की जरूरत है तो ये संचार माध्यमों के जरिए बड़ी तीव्रता से कुछ ही समय में ये उपलब्ध हो जाते हैं, उपलब्ध कर दिए जाते हैं, और इसलिए व्यर्थ में स्वावलंबन का जोर कम हो गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं यही उतार चढ़ाव, और यदि स्वावलंबन कम हुआ है, निर्भरता बढ़ी है, तो निर्भरता बढ़ने से निकटता भी बढ़ी है। स्वावलंबन कम होना किसी वस्तु के लिए निकटता बढ़ना को प्रभावित करेगा, हमारे संबंधों को प्रभावित करेगा। ये जो संबंध के जो उतार चढ़ाव हैं, इनका अध्ययन इसी विषय का दायरा है। आज की दुनिया में जहां दुनिया इतनी छोटी हो चली है, वहां सभी राष्ट्र एक दूसरे पे काफी निर्भर है। अभी आपने वैक्सीन के बारे में देखा, सुन रहे होंगे कि वैक्सीन कैसे दुनिया के कुछ देशों में बनाई जा रही है और दुनिया के 200 देशों में किस योजनाबद्ध तरीके से उसे पहुंचाया जा रहा है, पहुंचाने की व्यवस्था, संचालन, उसका परिचालन और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए सब एक दूसरे पर काफी निर्भर है। ये निर्भरता जो है इसने हमको काफी निकट ला दिया है एक दूसरे से। इस पारस्परिक निर्भरता के कारण ही आज जो एक देश है वो दूसरे देश में हुई घटना से प्रभावित हुए बिना नहीं होगा, चाहे वह घटना उससे जुड़ी हो या ना हो, चाहे उस घटना से उसका ताल्लुकात हो या ना हो, लेकिन घटना जरूर प्रभावित करती है, क्योंकि हम बहुत घनिष्ठ संबंध बना बैठे हैं, हमारी निर्भरता बढ़ चुकी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो हमको याद रखना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उतार चढ़ाव बहुत हो रहे हैं और इसी के तहत विदेशी नीति का निर्धारण होता है, बदलाव होता है, नए देशों को मान्यता देना, गुट निरपेक्षता का बनाए रखने का प्रयास करना, राजदूतों का आदान प्रदान, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध, ये सब जो हैं ये राजनीति विज्ञान के दायरे में ही आते हैं। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, खासकर तब जब आज विश्व एक ग्लोबल विलेज बनकर रह गया है, जिसमें लोग एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं, स्वावलंबिता ने बैक सीट ले लिया है और निर्भरता अब बढ़ चली है। परंपरावादी विचारकों के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न बिंदुओं में जो हमारे लिए जो सबसे अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है
पहलू है वह है मनुष्य का अध्ययन। मनुष्य किसी भी अध्ययन का केंद्र हो तभी वह जीवंत रहता है, तभी वह गतिशील रहता है, तभी वह चलायमान रहता है, परिवर्तनशील रहता है और इवोल्यूशन होता है। तो इसलिए मनुष्य राज्य की इकाई है। किसी भी राज्य की इकाई भी, राज्य से अर्थात स्टेट, उसका जो केंद्र है, सबसे केंद्र बिंदु, वह मनुष्य ही है। राज्य जो भी कर रहा है वह मनुष्य के लिए कर रहा है और राज्य का अस्तित्व भी मनुष्य के कारण ही है, क्योंकि मनुष्य ने चाहा है कि एक सत्ता रहे जो हमारे विकास के लिए, हमारे वार्धक्य के लिए कार्य करे। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन ये तय है कि मनुष्य के बिना राज्य की कल्पना कतई संभव नहीं। इसलिए मनुष्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन का सबसे प्रमुख तत्व है। मनुष्य के अधिकार, मनुष्य के कर्तव्य, उसके अलावा कानून, मनुष्य व राज्य के बीच के जो पारस्परिक संबंध हैं, एक दूसरे के साथ जो संबंध हैं, राज्य और मनुष्य के बीच में जो दोनों मानो एक तराजू के दो पहलू हैं, उनके बीच का जो पारस्परिक संबंध है, मनुष्य कितना राज्य पर हावी और राज्य कितना मनुष्य या समाज के अंतर्गत, ये जो विषय है यह भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का एक अहम पहलू है। इसीलिए कैटलिन, जो एक प्रसिद्ध राजनीतिवेत्ता हैं, उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान नियंत्रक और नियंत्रित, नियंत्रक कौन? राज्य। नियंत्रित कौन? व्यक्ति। और वैसे देखा जाए तो नियंत्रक तो व्यक्ति ही है, क्योंकि राज्य को भी व्यक्ति ही नियंत्रित करता है, समाज नियंत्रित करता है। यदि राज्य दिग्भ्रमित हो गया है, राज्य ने अपनी दिशा बदल दी है, तो अगले मतदान में ये तथाकथित नियंत्रित ही अपना फैसला सुनाएंगे और नियंत्रक को बदल सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कैटलिन ने जो कहा है वो बात बड़ी स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान नियंत्रक और नियंत्रित के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, उनके बीच व्यापक संबंधों का अध्ययन है।